हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 एमजी एस्टर विथ न्यू अपडेट्स। जहाँ पे अगर आप सबसे पहले देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको नई ग्रिल देखने को मिल जाती है। भाई ये बेस मॉडल है, एंड बेस मॉडल ऐसा किसी गाड़ी में नहीं आता भाई जो एमजी ऑफर करती है अपने एस्टर में। काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कार है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड मालूम चल जाएगी। ये आपके सामने इसकी बेस मॉडल स्प्रिंट वेरिएंट खड़ी हुई है मैनुअल ट्रांसमिशन में। डिटेल रिव्यू करने वाले इस वीडियो में, इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, प्राइसिंग वगैरह हर एक बात करेंगे। मार्केट में जो इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं उससे ये प्रोडक्ट कितना बढ़िया रहने वाली है। वीडियो इन तक बने रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। चैनल पर नए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपेरिजन करवाने के लिए। वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो तो बिल्कुल आप भाई एमजी वाराणसी पा सकते हैं गणपति ऑटोमोबाइल्स पे। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से तो कुछ ऐसी की यहाँ पर ऑफर हो रही है एस्टर बेस मॉडल में ऐसी की मिली है भाई, बढ़िया बात। थ्री बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक ट्रंक ओपन करने के। यहाँ पे वेब कीज ऑफर हो रही है, एमजी की ब्रांडिंग। एंड गाइस, वेरिएंट कलर ऑप्शन प्राइसिंग की बात करेंगे तो एस्टर ऑफर होती है 15 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन के साथ। प्राइसिंग की बात करेंगे तो बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 9.9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 18.34 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड गाइस, आपके सामने इसकी बेस मॉडल खड़ी हुई है स्प्रिंट वेरिएंट, जिसकी प्राइस आपको अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, एंड ऑन रोड चली जाएगी 11.3 लाख तक। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। और उसके बाद गाइस फ्रंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये है भाई अपनी एस्टर की फ्रंट प्रोफाइल। भाई देखने के बाद कोई भी नहीं बोलने वाला है कि बेस मॉडल भाई टॉप मॉडल से आप इस गाड़ी को कंपेयर कर सकते हैं। अब क्यों, आइए बताता हूँ मैं। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर गाइज अपने को कुछ ऐसी विंडशील्ड एरिया मिल जा रही है, टिंटेड ग्लास मिल जा रहे हैं, आपको वाइपर्स देखने को मिलेगी, फुल कमांडिंग फील आने वाली है, काफ़ी फ्लैट हुड मिलता है, साइड बाय साइड कट्स मिल जाते हैं जो कि व्हीकल के लुक को भी एनहेंस कर देते हैं, एज वेल एज व्हीकल को एरोडायनेमिक शेप भी प्रोवाइड करती हैं। और ये देखिए बेस मॉडल में आप कहीं देखे नहीं होंगे कि बेस मॉडल में पियानो ब्लैक ग्रिल एमजी का लोगो मिल जा रहा है। पियानो ब्लैक गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देती है, अपीयरेंस को बहुत बढ़िया बना देती है। नीचे आपको स्किड प्लेट प्रॉपर सिल्वर फिनिशिंग में मिल जा रही है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये सब भी पूरी आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स, जो कि भाई एक डिज़ाइन बढ़िया लग रहा है, ये सब लोग आफ्टर मार्केट काम कराते हैं भाई। और उसके बाद अगर आप हेडलाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी बढ़िया सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाती है, और वो भी भाई ये आपको LED देखने को मिल जाती है। टर्न सिग्नल यहाँ पे आपको LED मिलेगी, इसी में इंटीग्रेटेड DRL भी आपको देखने को मिल जाता है। लाइटिंग का सेटअप ओवरऑल काफ़ी बढ़िया इधर आपको देखने को मिलता है भाई, और अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल में हैलोजन दे दिया है, टॉप मॉडल में LED है, बेस मॉडल में रिफ्लेक्टर है, या तो टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर है, ऐसी बात नहीं है। ये सब चीज़ें आपको यहीं से ऑफर हो जा रही हैं। बाकी कोई भी पार्किंग सेंसर फ्रंट में आपको नहीं मिलते, नीचे आपको टोइंग हुक की सेटअप इधर मिल जाती है। एंड आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो हम लोग इसको भाई लेफ्ट साइड प्रोफाइल, राइट साइड प्रोफाइल अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो ये भाई इसकी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, फुल बॉडी क्लाइडिंग मिल जाती है। यहाँ पे गाइज अगर आप व्हील को देख लेते तो रिम व्हील ऑफर होगा। अब भाई बेस मॉडल है तो इसमें तो टॉप आपको अलॉय व्हील मिलेगा नहीं, प्राइस रेंज को भी देखना है तो 215/60 सेक्शन टाइम मिलेगी, 60 इंचेस ऑफ रिम व्हील। फ्रंट में डिस्क आती है, एंड रियर में आप देखेंगे तो रियर में मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ भाई, रियर में भी डिस्क चारों टायर में गाइज आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, और ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अपने को फुल बॉडी क्लाइडिंग मिल जा रही है, स्लो फिशिंग मिल जा रही है, डोर क्लाइडिंग भी मिल रही है, और बॉडी कलर प्लस क्रोम इंसर्ट्स में आपको भाई मिल जा रहा है अपना डोर हैंडल्स, बेडिंग भी क्रोम में मिल रहा है, बॉडी कलर ORVM विद टर्न सिग्नल, यहाँ पे रूफ पोस्ट ब्लैक, क्वार्टर विंडो प्लेसमेंट मिल जा रहे हैं, ठीक है। राइट साइड रियर फेंडर में फ्यूल नो मिलेगा। गाइस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा टैंक कैपेसिटी मिलती है, 48 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी एस्टर बेस मॉडल में आपको मिल जा रही है। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। सो गाइज़ ये है इसकी पूरी ओवरऑल रियर प्रोफाइल, जहाँ पे गाइज अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर अपने को साफ फिनल्टीना मिल जा रहा है, स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर, मतलब देख रहे हो कमी किसी चीज़ की है नहीं, जिससे ये तो थोड़ा फील हो जाए कि बेस मॉडल हमने लिए है। MG एस्टर की यहाँ पे आपको एम्बलम मिल जाती है। एंड अगर टेल लैम्प की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गाइज अगर आप देख रहे हैं ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, टर्न सिग्नल, ये सब आपको हैलोजन मिल जाती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स ऑफर होंगे, एंड 9 फंक्शनल रिफ्लेक्टर विथ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स। नीचे आप देख रहे हैं तो फ्यूल फिशिंग क्रोम इंसर्ट्स पूरी भर भर के दी गई हैं, मतलब एकदम भाई टॉप एंड वाला फील आने वाला है। नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप मिल जाती है। एंड यहाँ पे गाइज आपको कैमरे की प्लेसमेंट अगर आप बात करते हैं तो नहीं देखने को मिलती है। एंड उसी के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है, 448 लीटर्स की नंबर्स में और प्रैक्टिकल दोनों में काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस आता है। 60-40 स्प्लिट सीट के साथ आती है तो एक्सपेंडेबल है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको भाई देख रहे हैं तो पार्सल ट्रे नहीं आता, बूट लैंप मिल जाता है,
कुछ किट्स मिलेंगे। नीचे आप अगर देख रहे हैं स्पेयर व्हील की प्रेस मिलेगी जो कि 16 इंच की रिम व्हील आती है, ऊपर पूरी कवरिंग मिल जाएगी। एंड गाइज ये है इसकी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइज चारों टायर में डिस्क ब्रेक बताई दिया था, फुल बॉडी ग्लाइडिंग, बॉडी कलर प्लस डोर क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बीडिंग भी क्रोम में मिलेगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल आपको हैलोजन ही मिलेंगे। बढ़िया बात। सो गाइज ये तो थी इसकी ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या यहाँ पे आपको डायमेंशन मिलती है, क्या यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। सो गाइज डायमेंशन सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे तो 4323 mm की गाड़ी की लेंथ मिलेगी, 1809 mm की विड्थ मिलेगी, 1650 mm की हाइट मिलेगी, 2585 mm की व्हील बेस। एंड गाइज आपको गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, जिससे कि ये भाई अगर अपनी सभी ट्रेन पे चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं, हाईवे राइड कर रहे हैं, सिटी में राइड कर रहे हैं, इसको लेके ऑफ रोडिंग भी करते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस हाई होने की वजह से गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करेगी। एंड अब बात आती है सेफ्टी फीचर्स पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा भाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको जो सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ना, वो मिल रहे हैं 2 एयरबैग, ABS, CBD, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर वार्निंग, टैक्सन कंट्रोल, इंजन इंडोजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, हाइड्रोलिक साइड सीट माउंट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं भाई। तो ये तो भाई इसकी एक्सटीरियर थी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में डायमेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस एंड सब चीज़ बता दिया, सेफ्टी फीचर्स की बात कर ली, तो सराउंडिंग बता दिया। अब बात आती है इंटीरियर की, चलते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग ड्राइवर साइड की तरफ चलेंगे हमेशा की तरह, तो यहाँ पे भाई इसको ओपन कर लेते हैं। एंड ये देखिए डोर पैनल। अब आप बताइए ये बेस मॉडल है, ये आपको लेदरॉइड में सॉफ्ट टच मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है हार्ड प्लास्टिक, स्लो फिशिंग मिल जा रहा है, डोर लॉक अनलॉक का बटन मिल रहा है, स्लो फिशिंग यहाँ पे आपको लीवर्स मिल जा रहे हैं, यहाँ पे चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पीकर प्लेसमेंट बॉटल होल्डर, और यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जा रहा है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, पियानो ब्लैक, स्लो फिशिंग अच्छे डिज़ाइन के साथ, एसी वेंट्स यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल रहे हैं। गाइज मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये बेस मॉडल है कि मिड मॉडल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिकली अपने ओआरवीएम को एडजस्ट करेंगे, हेडलाइट लेवराइजर आ जाता है, यहाँ से आप अपना फ्यूल नेट इंजन भी ओपन करेंगे, डिट पैडल नहीं आता है। और गाइस फैब्रिक एपोशी में यहाँ पे आपको पूरी सीट्स देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, और हेडरेस्ट देख रहे हैं तो ये भी आपको एडजस्टेबल देखने को मिलता है भाई। सो गाइस ये था भाई अपना बाहर से, अब अंदर से एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें मिल जा रही हैं, की को निकाल लेते हैं बिकॉज फिजिकल की के थ्रू ही हम लोग को काम चलाना है, और सीट को थोड़ा सा कर लेते हैं भाई पीछे, एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा की को भी इंसर्ट कर देते हैं, और डोर को करते हैं क्लोज, एक बार चेक कर लेते हैं भाई व्हीकल अपनी न्यूट्रल है, एंड देन अब इसको थोड़ा सा ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे कुछ ऐसा ओवरऑल आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, और अब आज को बंद करते हैं। ये भाई देखो कितना प्रीमियम सा आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है भाई साहब, मस्त चीज़ है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जा रहा है, इधर आपको टैकोमीटर, यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, और नीचे आपको फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, एंड बीच में एक डिस्प्ले मिलेगा जहाँ पे व्हीकल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगेगी, एवरेज किलोमीटर, रियल टाइम, ओडोमीटर, एंड उसके बाद भाई अपना ट्रिप इन्फो हर एक चीज़ देख सकते हैं, TPMS वगैरह, एंड यहाँ से भी आप टॉगल कर सकते हैं बैटरी वोल्ट, एक्यूमेटेड इन्फो, सब चीज़ आप देख पाएंगे। उसके बाद गाइस कुछ ऐसा काफ़ी बढ़िया सा अपने को 3-spoke फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि आता है भाई अपना टिल्ट एडजस्टमेंट फ्लैट, टेलीस्कोपिक नहीं है, यहाँ पे पियानो ब्लैक एंड स्लो फिशिंग, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं MID के, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, टॉगल को देखेंगे राइट साइड में वाइपर कंट्रोल, लेफ्ट साइड में अपने को लाइट्स, टर्न सिग्नल के कंट्रोल मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया सा व्हील मिलता है। यहाँ पे गाइस अगर देख रहे हैं तो अपने को मिल जा रहा है एसी वेंट्स, हैजार्ड का बटन, ये सब ऊपर आपको काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट टच मिल जा रहा है भाई। एंड सेंटर में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई 9 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो एसी आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो होम का डायरेक्ट बटन मिलेगा, वॉल्यूम आप डाउन का यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, एसी ऑन ऑफ डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, यहाँ पे आपको फैंस के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भाई अपने लाइक हॉट रखना है, कोल्ड रखना है प्रोडक्ट को तो उसके कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ पे आपको 12 वाट का पावर सॉकेट, टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं दो, यहाँ पे आपको मिलेगा भाई हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, कुछ ऐसा गियर लीवर मिलेगा, और गाइस काफ़ी बढ़िया कार्बन फाइबर फिनिश इधर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो भाई हैंड ब्रेक प्लेसमेंट कुछ स्पेस ग्लव बॉक्स लेदर में मिल रहा है, जो कि एडजस्टेबल नहीं है, काफ़ी बढ़िया भाई इंटीरियर स्पेस भी आ रहा है, यहाँ पे स्लो फिशिंग वगैरह ये सब सॉफ्ट टच है, काफ़ी बढ़िया फील देता है। ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा, ऊपर आपको मैनुअल डेनिम IRVM मिल जाते हैं, लाइट्स आपको LED मिलेंगे,
एंड यहाँ पे गाइज आप देख रहे हैं तो सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं आता है, सनवाइजर को ड्राइवर साइड देख रहे हैं तो भाई नॉर्मल आ रहा है, ड्राइवर साइड आपको टिकट टूल का सनवाइजर मिलेगा। सॉफ्ट क्लोज में हैंडल आ रहे हैं और ये भाई इसका ओवरऑल रूफ। अब करते हैं इसको बंद, अब चलते हैं सेकेंड रूम में और देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें अपने को ऑफर हो रही हैं। भाई की को रख लेते हैं भाई पॉकेट में, चलते हैं बाहर। बढ़िया सा भाई आपको ओवरऑल मिलता है इसका इंटीरियर, ड्राइवर साइड तो बढ़िया था। अब चलते हैं इसके सेकेंड रूम में, एंड गाइज ये डोर पैनल देखिए फ्रंट की तरह ही अपने मिलती हैं, ये भी आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच मिल जाते हैं, स्लो फिशिंग वगैरह, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, पावर विंडो कंट्रोल, बॉर्ड होल्डर, स्पीकर प्लेसमेंट वगैरह मिल जा रहे हैं। एंड ये भाई इसका ओवरऑल सेकेंड रो जो कि गाइज काफ़ी स्पेसियस भी है और भाई कलर ट्रीटमेंट जो किया गया है स्लो फिशिंग पियानो ब्लैक बेज बढ़िया बात है। यहाँ पर गाइज आपको आइसोफिक्स साइड सीट्स माउंट्स देख रहे हैं तो भाई मिल जाती हैं और हेडरेस्ट अपने को दो हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं, 64 स्प्लिट सीट्स हैं, फैब्रिक एपोशी में पूरी आपको सीट्स मिल रहे हैं, आर्मरेस्ट मिल जा रहे हैं आपको विथ टू कप होल्डर्स बढ़िया बात। एंड मेन चीज़ चेक करते हैं भाई ये देखो अब हुई ना बात, मतलब अगर भाई देख रहे हो ना तो इसके ऊपर जाने का कोई मतलब भी नहीं है, रियर एसी वेंट्स भी यहाँ पे मिल जा रहे हैं, हम सेंटर में थोड़ा सा मिलता है भाई, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक मिलता है, तो सेंटर पैसेंजर को कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इधर भी हैंडल्स मिल जा रहे हैं, क्वार्टर विंडो प्लेसमेंट, पार्सल ट्रे नहीं आता, 1000 रुपीज़ दे के लगवा सकते हो। सामने मैगजीन होल्डर मिलेगा, कुछ ऐसा नी रूम मिल रहा है, लेग रूम फुट रूम भी सही, अंदर 250 सपोर्ट इज रीसेंट। एंड अगर हेडरूम की बात कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया आपको हेडरूम मिल जाता है भाई एस्टर में। बाकी गाइस ये था इसका इंटीरियर, फ्रंट का डैशबोर्ड आप लोगों ने चेकआउट कर लिया, अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इसके इंजन में पॉडन टॉक वगैरह मिल जाता है फटाफट से। जो इसका इंजन भी है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं भाई, इसलिए ड्राइवर साइड से आप यहाँ से इंजन भी ओपन कर लेंगे। सो गाइज इंजन भी ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे आपको भाई इंजन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देखते हैं अपने को बैटरी प्लेसमेंट मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको फ्यूल प्लेसमेंट मिल रहा है, ये ओवरऑल इंजन यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, वाइपर फ्लू वॉशर फ्यूल कूलेंट का सेटअप। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 498 cc 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 108.49 bhp की मिलेगी 6000 rpm पे, एंड टॉर्क की बात करेंगे तो 144 Nm की टॉर्क मिलती है 4400 rpm पे, 15-16 किलोमीटर पर लीटर तक की ये प्रोडक्ट माइलेज दे देती है भाई। सो गाइस ये थे भाई अपनी एम जी एस्टर स्प्रिंट बेस मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन का फुल डिटेल रिव्यू, होप करता हूँ आप सभी लोग को इसके रिगार्डिंग पूरी चीज़ें मालूम चल गई होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करेगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करेगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।